हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दिन है आज मंगलवार का और टाइम हो रहा है 4:30 बजने में है, 5 मिनट बाकी। तो मैं सोई तो नहीं थी, मैं काफ़ी टाइम से लेट के ऐसी फ़ोन वगैरह देख रही थी अपना। अब उठ गई हूँ क्योंकि हमें जाना है मंदिर, आज हनुमान मंदिर। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे हम हनुमान मंदिर जाएंगे, तो फाइनली आज मंगलवार है, आज जाते हैं और आप लोगों को भी बजरंग बली के दर्शन करवाती हूँ। हमारे इधर का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है वो, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। तो अंदर तो मैं नहीं जा सकती हूँ आज, पर बाहर से दिखा दूँगी आप लोगों को। तो चलिए फिर मैं पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जा रही हूँ मंदिर, तो आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये वाली कुर्ती पहनी है, हनुमान मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर एक ही बात है। तो ये वाली कुर्ती डाली है, मैंने सोचा आप थोड़ा तरीके के कपड़े पहनेंगे घुमा करेंगे। जो घिसे पिटे हैं उनको हम निकाल देते हैं और जो ये नए नए कपड़े हैं इनको निकाल लेते हैं डेली यूज़ में। क्या कहती हो जो पुराने पुराने कपड़े हैं सब निकाल के फेंक देती हूँ, तभी तो नए आएंगे। और ये वाले मैं डेली में निकालती हूँ। क्या बोल, अभी इतनी भीड़ नहीं है वरना यहाँ बहुत भीड़ रहती है। ये है प्रशांत, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, पर फिलहाल अभी इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए हैं, जान के आए जल्दी। तो आप दर्शन करते हैं और आपको भी कराती हूँ बाहर से ही। छोड़ दो। यहाँ पर मम्मी आ गई थी दर्शन करके और उन्होंने मुझे प्रसाद खिलाया। प्रसाद में था गाजर का हलवा। और दर्शन करने के बाद जा रहे थे हम वापस घर। दर्शन हमारे हो गए। और कैसे हुए दर्शन? अच्छे लगा, मुझे मंदिर आके बहुत अच्छे लगा। अभी आऊँगी, अगली बार अंदर जाऊँगी। तो अब चलते हैं, थोड़ा मन को थोड़ा मिल जाती है। सब्जी वगैरह लेते हैं। और सब्जी लेंगे आप बताना, देखते हैं सब्जी वगैरह लेंगे। एक सब्जी तो लेंगे जो बनेगी आप। सब्जी नहीं, आज हमारा फ्रिज खाली हो चुका है। खाली तो कल ही हो गया था वैसे, और अब शायद थैला नहीं लाया सब्जी के लिए। कोई नहीं, अभी के लिए ले लेंगे, कल ले लेंगे और मॉर्निंग में। तो चलिए आ गए हैं घर। ओ लाइट क्यों बंद कर रहे हैं? और मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, जो सुबह से पहने हुए थे वही पहन लेती हूँ। तो चलिए मैं कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चेंज, सो लास्ट टाइम। तो चलिए अब देखते हैं क्या बनेगा। लौकी बनेगी, लौकी बनेगी। तो मैं आई हूँ अभी छत पर, मंदिर की लाइट जला देते हैं। दिया मम्मी लगाएंगी आकर। मौसम का सरप्राइज देती हूँ आपको, बहुत सुंदर हो रहा है मौसम। आई डोंट नो आपको वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है, ऑरेंज और येलो येलो कुछ। ये क्या है सौंप। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी छत पे चलती हूँ, थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ।
हालांकि वॉक की ज़रूरत आज है नहीं, बहुत दूर गई थी मैं ऑलरेडी। लेट मी जस्ट चेक द बंदर्स फर्स्ट। एकदम से शुरू हो गया तूफान आना। ओ भाई ये देखो तूफान आ गया। दिस मौसम इज ड्राइविंग मी क्रेजी यार। यहाँ पर आ गई थी डिनर की बारी, जिसमें बनी थी आज लौकी की सब्जी और छाछ और रोटी। यहाँ पे हुआ था नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही थी मम्मी के कुर्ते पे प्रेस, क्योंकि मम्मी पापा को निकलना था हॉस्पिटल के लिए। साथ ही साथ चल रही थी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी, तो मम्मी पापा रेडी हो रहे थे तो मैंने फटाफट पहले सब्जी चढ़ाई, जिसमें पहले मैंने आलू भुने और आज बन रही थी हरे प्याज की सब्जी, जो ग्रीन वाले प्याज आते हैं उसकी सब्जी। फटाफट घर का काम निपटाया, क्योंकि आज तो मैं अकेली थी तो मुझे करना ही था। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो पहले मैंने फटाफट पूरे घर में झाड़ू निकाली, उसके बाद बाहर तक आगे में झाड़ू लगाते। फिर यहाँ पे कुछ गाय का खाना रखा हुआ था, उसको मैंने खाना दिया। और यहाँ पे सारा काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया था, पोछा वगैरह कम्प्लीट करने के बाद बाहर थोड़ी सी धुलाई होती है वो करी बस। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह से ऐसी काम में लगी हुई हूँ, आप लोगों से बात ही नहीं हुई है। अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और गर्मियाँ आ गई हैं गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। पंखे की ज़रूरत पड़ती है, अभी मैंने पंखा बंद करा हुआ है क्योंकि फिर आवाज़ में दिक्कत होती है, फिर गर्मी लग रही है, तो इसलिए मैं पंखा चलाती हूँ और थोड़ा सा ना वो लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र वगैरह। स्किन ना वो हो रही है, खिंच रही है गर्मी की वजह से। और मुझे अभी मार्केट भी जाना है, मम्मी पापा का कॉल अभी आया ही नहीं है। बताया होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में कि मम्मी पापा गए हैं हॉस्पिटल, आज पापा का चेकअप था और मम्मी का भी, तो वो वहीं गए हैं। तो वहाँ से जब मम्मी निकलेंगी तो वो मुझे कॉल करेंगी, उनको मैक्सिमम 25 मिनट्स लगेंगे वहाँ से आने में। तो फिर तब तक मुझे रेडी होकर बाहर पहुँचना है गली के, क्योंकि हमें फिर मार्केट के लिए निकलना है आज। थोड़ा बहुत सामान लेके आते हैं, होली आ रही है पास। लगा लिया है सनस्क्रीन वगैरह और मैंने भी मम्मी को कॉल करा, क्योंकि मुझे ना पापा के लिए टिफिन लेके जाना है, बना के वहीं पे मिल जाएंगे, ऑफिस जाना होगा नहीं तो अब यहाँ आएंगे फिर लेट हो जाएगा ऐसे, तो अब बना के ले जाऊँगी। तो मैंने इसलिए कॉल करा था, वहाँ से निकले होंगे तो बना लेती हूँ, पर नहीं उन्हें तो अभी टाइम लगेगा, कुछ टेस्ट वगैरह होने हैं तो वो हो रहे हैं। और मैंने भी सुबह बस थोड़ा सा रस खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। रोटी बनाती हूँ अपने लिए और टाइम बताती हूँ आपको, 11:10 हो गए। आज सारा घर का काम मैंने ही करा, लगभग सब्जी वगैरह काटी गई थी मम्मी। तो चलिए थोड़ा पहले एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ एक दो वीडियो की और डाल देती हूँ, फिर बनाती हूँ, करती हूँ पेट पूजा। बहुत सारा एडिटिंग वगैरह करने के बाद, अपना सारा सोशल मीडिया छान मारने के बाद मैं आ गई हूँ अपने लिए नाश्ता खाना लंच कुछ भी बोल लीजिए यार, हद कर दिया आज तो। मैंने ब्रंच भी नहीं बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे इसको। 12 बज रहे हैं, सुबह से बस एक रस खाया, रस नहीं बन खाया था आधा, वो भी वो जो मम्मी का बच गया था वो मैंने खा लिया था। और अब अपने लिए ये बनाया है, बहुत भूख लग रही है। आप लोग को दिखाती हूँ क्या है। वाले प्याज की सब्जी, रोटी और चाय। आप लोग सोच रहे होंगे स्वेटर क्यों पहन लिया, अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी गर्मी हो रही है। तो यही है हमारे ऋषिकेश की खूबसूरती, कभी मौसम बदल जाता है, मतलब मौसम बदल जाता है तो कभी ठंड हो जाती है कभी गर्मी। मैंने थोड़ा सा पंखा चलाया, उसके बाद मुझे इतनी तेज़ ठंड लगी मैंने स्वेटर पहन ली। लॉक लगा दिया है, कपड़े पहन लिए फटाफट से, यही रोटी डाली क्योंकि एकदम से कॉल आया, उसके बाद मैंने पापा के लिए रोटी बनाई। और अभी ज़्यादा बात ना करती हूँ, फटाफट बाहर भी लॉक लगाती हूँ, निकलती हूँ क्योंकि वो लोग वहाँ से निकल गए हैं, काफ़ी देर हो गई। अभी देखकर कपड़े चेंज मैंने कर लिए हैं, शॉपिंग दिखाऊंगी आप लोगों को इसी व्लॉग में। और मार्केट में कोई भी आज मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यार गाइस, लिटरली इस व्लॉग में सर्दी गर्मी हो रहा है ना, बाजार में गर्मी लगी पर बहुत ज़्यादा।
गंगा जी नहाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, शॉपिंग दिखा देती हूँ आपको थोड़ी बहुत देर में। फिलहाल दूध भी लेके आना है मुझे, दूध में लेकर नहीं आई थी क्योंकि शॉप बंद थी, अब जाके ले आऊँगी स्कूटी से। और चाय वगैरह पी ली है मैंने, मेरी रखी हुई प्लेट अभी, चाय पी और एक रोटी खाई। और मैंने बाहर कुछ भी नहीं खाया, बस खाली लस्सी हुई थी आधा ग्लास, आधा ग्लास का जितनी उन्होंने दी एक ग्लास वही पी थी, और खाया कुछ नहीं। मैं भी तो कर दूँ यहाँ पे, फिर से हो गया था डिनर का टाइम, जिसमें थे आज सिंपल दाल चटनी और रोटी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, तो कल के बाद ये ब्लॉग अब कंटिन्यू हो रहा है, होली की तैयारी हो गई है शुरू। आज मम्मी खोया है, या मामा जो भी आप लोग बोलते हैं वो बना रही है, कल हम गुजिया बनाएंगे। इसलिए मैं आज अपने कॉलेज की काम कंप्लीट करके आ रही हूँ। कॉलेज तो मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट डे था, ऑब्वियसली लास्ट डे था, बट जो बुक्स वगैरह हमने वहाँ से इशू करी हुई थी वो आज मुझे वापस करके आनी है। और ये वाली कुर्ती पहनी हुई है मैंने, इसका बैक का नेक मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए फिर शॉपिंग दिखा देती हूँ पहले आपको फटाफट जल्दी जल्दी। और तो चलिए फिर फटाफट से आप लोगों को पहले शॉपिंग दिखा देती हूँ, और देखिए आप लोग। तो पहले तो हम लोग वी मार्ट गए थे, तो वी मार्ट से थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लाए, तो थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। ये लाए थे हम दो जूस की बॉटल, एक है मेरा फेवरेट गुआवा फ्लेवर और एक है मिक्स फेवरेट, मेरा फेवरेट है गुआवा फ्लेवर। तो ये दो जूस की बॉटल थी, जैसे जैसे जो हाथ में आ रहा है वो दिखाती हूँ ठीक। उसके बाद फिर मैं लाई थी अपने दो क्लेचर, मुझे ऐसे छोटे छोटे मिनी क्लेचर्स मेटे में पसंद है, कि ग्रीन कलर और एक डार्क पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर शायद मैंने वहाँ रख दिया है। मेरा की चेन स्कूटी का पांडा वाला, और एक लाई थी मैं लिप शेड, डार्क ब्राउन शेड है ये, 205 है, 7C का बोल्ड एंड स्मूथ अल्ट्रा मैट। और यहाँ पे मुझे करना पड़ा थोड़ा सा वॉइस ओवर क्योंकि पीछे गाने चल रहे थे तो कॉपीराइट आ सकता था। तो ये था एक बिंदी का पत्ता, मम्मी लाई थी अपने लिए, उसके बाद दिखाया। फिर मैंने आपको यहाँ पे होली का स्पेशल, जिसके बिना होली अधूरी होती है, गुजिया, ये गुजिया बनाने के लिए लेके आए थे हम, जो कि आप जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। और ये था वही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो मैं हमेशा बिना सोचे लेकर आ जाती हूँ बस। तो मैं लाई थी अपने लिए एक ब्लैक कार्गो जीन्स, तो मुझे ज़रूरत भी थी और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लाने का, तो अब मैं बस कल गई और लेकर आ गई। तो अच्छी थी ये, एकदम जट ब्लैक जो होती है वो वाला कलर था और कार्गो स्टाइल था, वाइट लेग्स, मुझे यही पसंद है। उसके बाद थी ये मेरी सनस्क्रीन युवावो की SPF 25+ डर्माटो प्रिस्क्राइब्ड। और मम्मी लाई थी अपने लिए दो कॉटन के दुपट्टे, एक ये था जयपुरी में रेड और एक ये था वाइट और ब्लैक। उसके बाद था फिर फ्लैट, मम्मी की अब काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, हील्स वगैरह हर जगह नहीं डाल सकते, तो ये हल्की हल्की हील्स हैं ब्लू कलर की, वाटरप्रूफ बोला है ऐसा दुकान वाले ने, हमें नहीं पता, यूज़ करके बताएंगे। ये इतनी हील है, ठीक रहती है कंफर्टेबली वाली। और है एक ये एवरयूथ का वॉलनट स्क्रब, मैं नहीं करती हूँ ये, मैं मेरे को सूट नहीं होता, मम्मी का है ये, धूपबत्ती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी तो ये लेके आ गए हम। और वाटर बॉटल्स, और ये एक सेट था पूरा मग सेट, ये बहुत ही क्यूट लगा मुझे, मैट में है और कलर इसके बहुत ही प्यारे से थे, तो ये लेके आए हम। स्वीट एंड सॉल्टेड बिस्किट, फर्स्ट सॉल्टेड बिस्किट, मतलब ये CMC टाइप्स हैं और ये सॉल्टेड है। और ये चॉकलेट चिप्स की कुकीज, और ये मेरा फेवरेट कोकोनट बिस्किट। लाए थे एक साड़ी, येलो कलर की साड़ी की जरूरत थी मम्मा को, तो एक येलो साड़ी लाए थे हम, दिस इज येलो साड़ी। ये आपको कैमरे में कैसा दिख रहा है डोंट नो, बट ये रानी शेड है नीचे, ये येलो साड़ी है, दिस इज द साड़ी, नाइस। ब्लाउज दे दिया इसका स्टिच कराने के लिए, और ये इसका पल्ला है, ये पूरा इस टाइप का कुछ। तो इतनी छोटी मोटी शॉपिंग जो दिखाने लायक थी वो दिखा दी है मैंने, और चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जितना भी हुआ होगा इसको एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और शेयरिंग का तो आई डोंट नो, अब शेयर करती हूँ कॉलेज से आने के बाद शेयर करूँगी। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और अब नेक्स्ट वीडियो आएगा शायद
होली प्रिपरेशंस का, जो प्री प्रिपरेशंस रहती है ना होली की, उसका। तो चलिए फिर उसको फिर नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। उसके बाद होली आने वाली है बहुत जल्दी। फिर बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।